भारत का महादानी मुर्तजा अली, भारत का बह नाम, जिसे अगर पाकिस्तान सुन ले तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाए, होश उड़ जाए उसके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। मुर्तजा अली ने आज इन लाइनों को साकार कर दिया, इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बने। मुर्तजा अली ने पुलवामा के शहीदों को 110 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे सब कुछ मुर्तजा अली के बारे में। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर भारत के महादानी मुर्तजा अली के लिए एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। राजस्थान की धरती ने पैदा किया एक ऐसा भामाशाह, पुलवामा में शहीदों को दी 110 करोड़ रुपए की सहायता राशि। राजस्थान के कोटा में रहने वाले हैं मुर्तजा अली। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को 110 करोड़ रुपए देने की इच्छा जताई है और मुर्तजा अली ने पीएम मोदी को राशि सौंपने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का समय भी मांगा है। मुर्तजा अली पीएम मोदी से मिलकर यह राशि चेक के जरिए सौंपना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान के कोटा में पैदा हुए मुर्तजा अली का दानवीरों की सूची में भी नाम शामिल होने जा रहा है। मुर्तजा अली को भामाशाह भी कहा जाए तो कोई शंका नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा ने 25 फरवरी को पीएमए को संपर्क किया और अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुलवामा में शहीदों के लिए पीएम राहत कोष में 110 करोड़ की राशि देना चाहते। मुर्तजा अली यह राशि शहीदों के परिवारों के लिए टैक्सेबल आय से देंगे। मुर्तजा अली को पीएमओ ने मेल से कहा है कि वे 2-3 दिन में मीटिंग करेंगे। मुर्तजा का कहना है कि उन्होंने पीएम को अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज भेज दिए हैं और अब वे केवल पीएम मोदी से मिलकर सहयोग राशि सौंपने का इंतजार कर रहे हैं। कौन है मुर्तजा अली? मुर्तजा अली एक साइंटिस्ट हैं जो मुंबई में कार्यरत हैं। मुर्तजा अली मूल रूप से कोटा के रहने वाले हैं। अली ने कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वे कोटा में स्टेशन क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उनका कोटा में ऑटोमोबाइल का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस में घाटा होने के बाद उन्होंने साइंस की दुनिया में कदम रखा, जहां उन्होंने बेहतरीन कामों से ख्याति भी हासिल की। ऐसे महादानी को भारत सलाम करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।